बिल मतलब अभी तक फरवरी से अभी तक जितना अभी हमारा सफ़र गुजरा है, अगर आप ये देखें इसके अंदर फरवरी में हमारा लगा था सेम टू सेम, उसके बाद माशाल्लाह नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट मंथ हमारा मीटर चेंज ऑर्डर इशू हो गया, उसके बाद अभी तक वी हैवेंट पेड एनीथिंग येट। लेकिन इस दफ़ा 8,807 रुपये बिल पॉजिटिव में आया है। बेशक हमारा हमने पे कुछ नहीं किया, लेकिन इट वॉज़ क्योंकि वो -50,000 था, इस वजह से आपके सामने नज़र आ रहा है कि 8,800 वहीं से एडजस्ट हो गया है। ये वाला जो महीना है ना, इसके अंदर थोड़ी सी टेंशन इस लिहाज से थी कि भैया प्रोडक्शन कम थी बादलों की वजह से, क्योंकि ये क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वार्टर ऑफ जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर तक हमारी प्रोडक्शन कम थी और इसकी कंजम्पशन अच्छी खासी ज़्यादा होती है हब्स की वजह से, तो आई वॉज बिट वरीड कि कुछ ज़्यादा बिल आ ना आ जाए तो, लेकिन फिर भी 8,807 बिल आया जो कि एडजस्ट हो गया। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक है? मज़े में? बेहतरीन है? गुड़ ऐसे ही होना चाहिए। ए विखो मेरे जुड़े हाथ, आई एम रियली रियली सॉरी, आई टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं काम करता तो मैंने ब्रेक ली है, नहीं, आई वॉज ऑक्यूपाइड इन लॉट ऑफ स्टफ़। जैसे आप लोग जानते भी हैं कि मैंने अपने हमारे मेरे स्टूडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से बताया कि 5 साल से डॉलेंस का डीसी इन्वर्टर लगा हुआ है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हाई वोल्टेज की वजह से उड़ गया। उसका बोर्ड जो होता है, पीसीबी बोर्ड होता है, वो उड़ा और उसको रिपेयर करने की कोशिश करी, एक दफ़ा रिपेयर होने गया है, फिर वो वापस आ गया, उसमें एक एरर स्टिल प्रसिस्ट करता है। बस इसके ऊपर डेफिनेटली एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आई ऑलवेज ट्राई टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू गाइस, ताकि आपको किसी किस्म का अगर इस तरह का रेलिवेंट प्रॉब्लम एसी में आए तो आप ज़रूर उसको देखें। बल्कि एसी की गाइड भी मैंने डिटेल में बनाई थी, इफ़ यू वांट टू सी द गाइड ऑफ एसी एज वेल, तो वो हम लिंक में ड्रॉप कर लेते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। मुझे पता है बहुत सारे बहन भाइयों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईगर थे वो इस चीज़ को कि सितंबर क्वार्टर का बिल ये क्यों नहीं बता रहा, वो तो आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, तो ये रीज़न थी उसकी। लेकिन बिफोर फर्दर ड्यू, लेट्स गो इन टू दिस सितंबर बिल। उससे एक चीज़ पहले, आप लोगों को अच्छे से पता है कि मेरा एक कुकिंग चैनल भी है टेस्ट विद टीजे के नाम से, हमारा एक मिनी ब्रांड है और उस ब्रांड की हमने फर्स्ट प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दी है। पता नहीं है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, रेलेवेंट ऑडियंस है नहीं है, लेकिन ये देखें, दिस इज़ पंजीरी फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। ये हमारे टेस्ट विद टीजे का एक प्रोडक्ट है, ये हम लोग बेचने हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको फर्दर इसके ऊपर छोटी सी वीडियो भी बना के दे दूंगा। ये मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ ख़वातीन के लिए होती है, हालांकि बॉयज़ के लिए भी एक मजबूत हड्डियों के लिए चीज़ होती है। सो कमिंग बैक टू आर सोलर टॉपिक, हमारा बिल आपके सामने माशाल्लाह सितंबर का खुला हुआ है। अब हम इसको अपने सोलर कैलकुलेटर में, अच्छा, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मुझे पहले भी एक दिन एक सब्सक्राइबर ने ये चीज़ बात की थी कि सर जी तुसी एकदम पंजवा गियर ला के स्टार्ट हो जाते हो। हम लोग वो बहुत सारे लोग नए आते हैं चैनल पे, तो जैसे हमें नहीं पता कि आपका कौन सा, हमने नहीं देखी आपकी पुरानी वीडियो, आपका कितना किलोवाट का सिस्टम है, कितने पैनल्स हैं और क्या कुछ है, तो मैं अपने नए जो हमारे फैमिली में लोग आ रहे हैं यूट्यूब पे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 9.5 किलोवाट का हमारा सोलर सिस्टम है, विच इज़ एब्सोल्युटली एन अमेजिंग इन्वेस्टमेंट। हमने फरवरी, बिल्कुल 8 फरवरी या 9 फरवरी, जो इलेक्शन से एक दिन पहले था, मैंने 2024 के अंदर इंस्टॉल तो दिसंबर में करा लिया था, एमसी वगैरह हमारा क्लियर हुआ था, ग्रीन मीटर लग गया था। ये हैं जी हमारे 14 बाईफेशियल पैनल्स हैं और 3 जो है वो मोनोफेशियल पैनल्स हैं, और हमारा रे स्ट्रक्चर है हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम है, ठीक है, ओनली ऑन ग्रिड सिस्टम, नो हाइब्रिड शश का। इसकी कॉस्टिंग वगैरह उस टाइम पे अब तो शायद इररेलीवेंट हो गई क्योंकि प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं पैनल्स की, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, इसको पूरा प्रोसेस स्ट्रक्चर का मैंने समझाया था, उसके अंदर दिखाया भी था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, एंड लकीली माशाल्लाह यू गाइज लाइक दैट वीडियो एज वेल। अच्छा जी, हमारा जो बिल आया है इस दफ़ा ये आया है, और अब हम इसको अपने कैलकुलेटर के अंदर डालते हैं। सोलर कैलकुलेटर, मैंने 2 कैलकुलेटर्स बनाए हैं अभी फ़िलहाल तक, अभी उसका टेम्पलेट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरी कि सोलर का बिल एडवांस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप वो भी
कार्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वही चीज़ दोबारा इसके अंदर लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे ये वैल्यू सपोर्ट करेंगे अपने जो टैंपलेट है, और उस टैंपलेट के अंदर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, 41,842 क्रेडिट। तो ये दोनों चीज़ें हैं। आपको इस टैंपलेट का लिंक जो है, आप गूगल शीट है वहाँ से आप डाउनलोड करें, एक्सेल शीट और अल्लाह खैर सारा। इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ सबको अच्छे से, अगर जिसको पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्वार्टरली बिल आता है। अब ये सितंबर क्वार्टर का बिल आया, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप देखें कि ये आपको अगस्त की वैल्यू नज़र आती है। अगस्त का अगर मैं बिल निकालूँ तो ना आपको ये अगस्त की प्रीवियस वैल्यू नज़र आ रही है, लेकिन ये क्वार्टर वाइज रेलिवेंट नहीं होती। इसमें होता क्या है कि आपका लास्ट क्वार्टर पे लॉक हो जाएगा, और उस लास्ट क्वार्टर से लेके यानी इसकी जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं हमने लास्ट क्वार्टर वाली लेनी होती है, जून हो गया हमारे केस में, और प्रेजेंट जो अभी निकला है 15 सितंबर को वो यहाँ डालेंगे, तो हमारा बिल इंशाल्लाह एज क्लोज एज पॉसिबल मैच करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ये जी आपके सामने इस वक्त खुला हुआ है हमारा सोलर कैलकुलेटर, ग्रीन मीटर बिल कैलकुलेटर है, इसके साथ जो है ना सोलर कॉस्ट कैलकुलेटर भी मैंने बना के रखा है कि आप इसको अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मैं लिंक में डाल देता हूँ, कि आपने अगर सोलर का प्लान कर रहे हैं, आपके पास कुछ बजट है एंड यू हैव योर हेड क्लियर कि आपने हाइब्रिड की तरफ जाना है या कोई भी सिस्टम लेना है, तो उसके लिहाज से आप इसकी कॉस्ट कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं। यार है बड़ा चक्कर, एक पास से जाके तो मैं फिर आगे दो शाखों में बात करना शुरू हो जाता हूँ, फिर उससे आगे दो शाखों में बात करना शुरू हो जाता है। तो हम आते हैं अपने बिल की तरफ, लेट्स टेक। अभी देखें ये मेरे जून क्वार्टर का बिल है, अगर मैं आपको जून क्वार्टर का बिल दिखाऊँ अपना, तो ये बनता है तकरीबन 52,331 क्रेडिट में, और ये भाईजान की वैल्यू सेम है। हाँ जी ये बिल्कुल सेम है। अब देखिए ना ये जून क्वार्टर के अंदर अगर आप नोटिस करें तो ये वैल्यूज़ आपको बड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है, सिर्फ ये जो करंट जून की वैल्यूज़ हैं वो ठीक है, प्रीवियस कोई भी नहीं है मैच नहीं करी, लेकिन मैंने ना उससे पिछला क्वार्टर मार्च उठाया था, उसका क्लोजिंग बैलेंस पिक किया था, तो फिर ही मेरा बिल मैच किया। परेशान नहीं होना, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसको यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते हैं, मैं ना इसको फ़िलहाल इधर रख देता हूँ जस्ट फॉर एन आइडिया। आपको पहले हम सारी चीज़ों को ज़ीरो ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है जी। इस जगह पे चले गए, इन रेट्स की तरफ हम बाद में आते हैं, ये कैलकुलेशन ज़ीरो हो गई, और सारी 35 रुपये टीवी के करके वो बैम ये हमने इसको ज़ीरो ज़ीरो कर दिया, सिर्फ मैंने 35 रुपीज़ उसके छोड़े हैं टीवी के, क्योंकि ये अनचेंज्ड होते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो लास्ट क्वार्टर था हमारा जून, उसकी वैल्यूज़ को पुट इन करना है। वैल्यूज़ में कौन सी हैं, वही हमारी इम्पोर्ट जो है ऑफ पीक की, इम्पोर्ट पीक की, एक्सपोर्ट ऑफ पीक और पीक हम एंटर करते हैं। अच्छा जी अब हम ये आप कह रहे हैं कि क्लोजिंग बैलेंस, या आप कह रहे हैं कि प्रीवियस मंथ की जो प्रेजेंट वैल्यूज़ है वो हमने लेनी है। 1022 ठीक है, 187, देन वी हैव 3822, 3822 एंड वी हैव 4। अब इसके लिहाज से अगर हम ये देखें ना कि अगर हमारा ग्रीन मीटर ना होता तो हम तो लगे गए थे, क्योंकि इसके अंदर आपकी ये भी वैल्यू नहीं होनी थी, तो आपका 1 लाख रुपए से ऊपर 1,25,000 का बिल आना था टैक्सेस डाल के, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो अब हमने जून की यानी ओपनिंग लास्ट क्वार्टर की वैल्यूज़ आप यहाँ से आपने इसमें यूनिट्स रीडिंग्स डाल ली हैं, अब आपने रीडिंग्स डालनी हैं सितंबर की, ठीक है, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर की हम बात करें। अब सितंबर में किस तरह हम इसको क्लोज करेंगे, इम्पोर्ट ऑफ पीक में 2757, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 2757, फिर है 557, बड़ी एक जैसी हैं, फिर ये 4 वैल्यू होते हैं। अभी भी आप देखें ना कि पीक, ओह अगर ये भजन 3 महीने की आपके सामने 2 लाख रुपए तो ऑफ पीक का ही बन गया, और पीक का तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये बना, इस रेट के लिहाज से ये रेट भी अभी हमने रिवाइज़ करने हैं।
ये डालेंगे तो उसके बाद जो हमारी फेवरेट वैल्यू होती है 5980 जो हमने एक्सपोर्ट किया है अभी तक जब से मीटर लगा है हेवी, ये तो जब से मीटर लगा है वहाँ तक की वैल्यू है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर तक हमने अब देख लें कि 1735 हमने यूनिट्स 3 महीने के अंदर ऑफ पीक यूज़ किए हैं, 370 हमने यूज़ किए हैं पीक आवर्स के, और -2158 हमने जो है एक्सपोर्ट किए हैं अभी तक, तो हमारी वैल्यूज़ अब आएंगी आपके सामने, नेट पीक -423 है और जो पीक के यूनिट्स हैं 370 रुपये हैं। तो इस लिहाज से बिल हमारा तकरीबन 6015 रुपये बनता है। हाँ, यहाँ हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ ना हम रेट्स भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन इसका एक फिक्स चार्ज की कहानी डली है 1000 रुपये। ठीक है, अब आपने इसको इस तरीके से देखना है कि ये क्या है जी, इसमें थोड़ी सी ना परसेंटेज की वैल्यूज़ डिफरेंट हो गई हैं। तो खैर एनीवेज हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि अब ये मार्च के ये अगस्त का जो बिल आया था उसके ऊपर आपका कुछ छोटी मोटी ये फिक्स चार्ज एडजस्टमेंट्स माइनस होके आपका -5648 आया। तो -5648 हमारा रनिंग बैलेंस पीछे से आ रहा है। अब हम यहाँ से अपने रेट्स चेंज करना शुरू करते हैं, रेट्स में फ़र्क महसूस कीजिएगा। अब क्या आपके बिल पे लिखा होता है जो आपके ऑफ पीक का है, दैट इज़ 41.68। ये देखिए वो 41.68 एकदम, अब आप इधर वैल्यू चेंज होती देखिएगा, नहीं अच्छा क्योंकि अभी माइनस में नहीं है ना, अब आपको महसूस होगी 48। अब ये अब पीक की वैल्यू चेक कीजिएगा, ये देखें ये चेंज हो गई है, सिर्फ 2 रुपए के फ़र्क से ही तीन दो दो है क्या, कितना है 48 था, दो नहीं सर 7 रुपए, उफ तो अल्लाह ऊपर 7 रुपए का फ़र्क पड़ा है, तो उसकी वजह से 17000 का ये बैलेंस आ गया। अभी भी हम लोग उसके क्लोज होंगे, मैथ नहीं किया, 41841। उसकी रीज़न ये है कि आपकी यहाँ से 1000 रुपीज़ फिक्स चार्जेस आ गया, मेक सेंस, लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो क्यों नहीं मैच करनी यार, ये तो वैल्यू मैच करनी चाहिए, उसकी क्या वजह है, 41.68 48। हाँ क्योंकि एक चीज़ है कि ये रेट बढ़ गए हैं, 41.68 हो गया है, पीक आवर का 7 रुपये बढ़ गया है, लेकिन ये इन्होंने कहीं 27 रुपीज़ दे दिया, ये मैंने पहले कैलकुलेट किया था, इस वजह से ये कहीं नहीं लिखते इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन मुझे अब पता चल गया 6338 राउंड होके आपका कहीं ना कहीं ये मैच करता है। सो वी आर मच क्लोजर नाउ, 43,000 है, लेकिन इसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि हमारे बाकी टैक्सेस कितने लगे हैं। अब GST वैसे तो फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर ही लगता है, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या मुसीबत डाली है, लेकिन आप चलो इसको मैनुअली भी एंटर कर लेते हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है। 1338 35 रुपये TV के, और इलेक्ट्रिसिटी की जो ड्यूटी है दैट इज़ फॉर 95.09। 41,841 आपका क्रेडिट का बिल आया, सिर्फ एक यह मैच कर गया है इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी मैं डिटेल में इसमें फर्दर तो नहीं जा रहा कि भाई किस तरह आपने कैलकुलेट करनी है चीज़ें, लेकिन हमारा सितंबर का बिल एक खतरे की घंटी था मेरे लिए अच्छा खासा, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज टू डू दिस थिंग। और बस ये चीज़ थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, दैट्स इट, ये ही चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं। अगेन दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, लेकिन अगर कोई पंजीरी का ऑर्डर करना चाहता है, इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, तो मैं फिर अपनी डिटेल्स वगैरह इसके ऊपर हम लोग शेयर कर सकते हैं, ये फ्रेशली होम मेड चीज़ है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू बाय, हमारा टेस्ट भी टीजे के नाम से कुकिंग चैनल भी है, और हम लोगों को का ये एक हमने खाने का ब्रांड भी लॉन्च किया है इस तरह की हेल्दी चीज़ों के लिए। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड, अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें, और नमाज को अपनी रूटीन का लाजमी हिस्सा बनाएं। अभी मॉर्निंग वॉक करके आया हूँ, सो आई एम प्रीटी मच फ्रेश टुडे,
एंड आपकी जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी जौन सी भी नमाज का टाइम है, आप उठें, पॉज करें, जाके नमाज पढ़ें, 5 मिनट लगेंगे, उस क्रिएटर को याद करें, उसके साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि अगर ये एरिया आपका फिक्स हो जाता है, ट्रस्ट मी, बाकी सारे एरियाज फिक्स हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। आई विल सी यू सम अदर डे।